ऋषि बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव ऋषि दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनी बबैदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी भक्तजन, ऋतिक, जाजक, अधर्जु एवं मातृशक्ति सभी लोगों को मेरा जय गुरु। अभी हम 2 दिन से पूजनी बबाईदा के जन्मदिन के उपलक्ष में उनके नजदीकी मित्रों से उनकी अनुभूति सुन रहे थे। कोई 4 पीढ़ी से जुड़ा है, कोई 2 पीढ़ी से, कोई 3 पीढ़ी से, लेकिन हम लोग यहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, हम लोग कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 5 साल से जुड़ा, लेकिन दया सब पर होती है, दया सब पर होती है। अगर दया होती है कब? दया को जब हम उल्टा कर देते हैं, यानी जब हम उनको याद करते हैं। याद का मतलब रहन सहन, खान पान, चाल चलन, सब कुछ जब हम उनके अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं तो प्रभु की दया अपने आप होने लगती है। मैं ठाकुर जी के शरण में कैसे आया मुझको खुद नहीं मालूम। हमारे परिवार में सभी लोगों का दीक्षा हो गया था, यहाँ तक कि मेरे बेटों का भी दीक्षा हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर में सो के उठ रहा हूँ, देख रहा हूँ पिताजी माताजी बच्चे सुबह सुबह हाथ में लेकर के एक चक्र देख रहे हैं। मैं कहा कि ये कौन सा पूजा ये लोग शुरू कर दिए। मैं घर में नहीं था, बाहर गया था, 8-10 दिन बाद आया। जब मंदिर में गया तो देख रहा हूं वहां 4 इंसान का फोटो लगा है, पता नहीं कौन आया। हमने पूछा कि भगवान के साथ साथ अब आदमी को भी मंदिर में आप लोग बैठा दिए। माता जी बोले कि नहीं, ये गुरु जी हैं। उनको अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। महीना, 2 महीना, 4 महीना बीता, ये लोग सुबह उठ जाते थे, कुछ करते थे, मुझको इतना मालूम होता था, लेकिन गुस्सा भी लगते थे, लेकिन करूं तो क्या करूं, माँ है, पिता है। लेकिन मेरे दिल को एक चीज बहुत ही अच्छा लगता था, वो क्या था, जो प्रार्थना के बाद हम लोग जय राधे राधे बोलते हैं, जब वो लोग करते थे ताली बजाकर पूरे परिवार, और मैं नीचे से सुनता था, तो लगता था कि वास्तव में जैसे कोई बंसी बजा रहा है, इतना सुंदर वो भजन लगता था मुझको। समय निकलता गया, एक दिन मैं सुबह सो के उठ कर देख रहा हूँ, मेरी आदत, मेरे जीवन की जो आदत थी। हेलो 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 दादा बोलिए 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 दादा। मेरे जीवन की जो आदत थी दादा, बहुत ही दिनचर्या, मैं सुबह सुबह उठ के देख रहा हूँ माता जी क्या कर रही, पूरा घर एकदम धो डाली। हम कहे कि आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है क्या, पूजा पाठ? कहे नहीं, आज हमारे गुरु जी आ रहे हैं। हम कहे हमारे गुरु जी आ रहे हैं? हम कहे हाँ। तो पता चला कि जो अब मालूम हुआ कि कौन क्या था, तो जो दीक्षा दिए थे हमारे ऋतिक देवता श्रद्धे तिवारी दा, वो आए। तो
किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मेरा जीवन जो था बहुत ही काफी अनियंत्रित था। जो मेरे नजदीक है वो अच्छी तरह से जानते हैं। माताजी कहीं दादा से बोल रही हैं, पिताजी कहीं किसी से बोल रहे हैं, क्योंकि अगल बगल चार छह गुरु भाई थे, कि अगर ये इनका भी दीक्षा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। यह बात डायरेक्ट मेरे कान में पड़ी। हमने कहा कि अरे यार, मन देखिए ठाकुर जी कैसे प्रेरणा देते हैं। बाद में मुझको वो बात याद आ रही है कि जहाँ एक बार ठाकुर जी बोले हैं हरिनंदन दा से, मैं उस किताब को पढ़ा हूँ, कि जानते हो हरिनंदन मैं कौन हूँ? बोले कि नहीं ठाकुर, कौन हैं आप? बोले कि आई एम राम, आई एम कृष्ण, आई एम बुद्ध, आई एम जेसस एंड नॉट फॉर अदर्स। बाद में हरिनंदन दा उनसे पूछते भी हैं, ठाकुर जी बोले थे कि जब मनुष्य मुझे भाव से चित्कार करता है, चिल्लाता है, बुलाता है, मैं उसके अंदर ही प्रेरणा दे के उसे भाव से पार करता हूँ। ठाकुर जी से बोले हरिनंदन दा कि ठाकुर जी आप अंदर क्यों प्रेरणा देते हैं, सामने क्यों नहीं उपस्थित हो जाते हैं? ठाकुर जी बोले कि अगर प्रयोजन हुआ तो मैं सामने भी उपस्थित हो जाऊंगा। तो मेरे मन में क्या प्रेरणा आई कि माता जी हैं, अभी तो ये गुरु जी जो आए हैं चले जाएंगे, लेकिन हमेशा बार 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 बोलती रहेंगी, चलो करना या ना करना, कम से कम बैठ कर ले लें दीक्षा। दीक्षा हो गया मेरा, जानते हैं मैंने अपने दीक्षादाता से एक चीज बोला कि दादा दीक्षा तो ले ले रहा हूं, लेकिन एक चीज जीवन में नहीं छोड़ूंगा। कहें क्या? हम कहे ड्रिंक करना। ड्रिंक करना जीवन में नहीं छोड़ूंगा, कहे तो दादा ने बोला कि ऐसा करना कि थोड़ा से और बढ़ा देना तुम। तो मैं अंदर से इतना प्रफुल्लित हुआ, बोला कि वेरी गुड, आप ही जैसा तो मुझको गुरु चाहिए, लेकिन कहे एक शर्त है। हमने बोला क्या? कहे दो चीज तुमको करना होगा। कहे क्या? कहे जो इष्टवृत्ति मैंने कराया है इसको तुमको प्रतिदिन करना होगा। दूसरा, अगर तुम जिस भी अवस्था में रहना, नाम करना, जो हम लोगों को बीज मंत्र मिलता है उस नाम को जीवन में कभी भी मत छोड़ना। हमने कहा ठीक है दादा, कोई बात नहीं, आपकी इजाजत अगर मुझको मेरी इच्छा पूर्ण करने की है तो मैं आपकी इच्छा पूरा करूंगा। और मैंने शुरू कर दिया। लेकिन वह दिन गया, आज ये दिन बीता, मैंने उसको डीप में जाने की कोशिश किया, क्योंकि मेरी आदत है, अगर मैं किसी चीज को जब एब्जॉर्ब करता हूं, पकड़ता हूं, ग्रहण करता हूं, तो मैं उसको पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करता हूं। 10 अक्टूबर 2004 को मेरा दीक्षा हुआ और एक ही महीने बाद मेरे मन में आया कि आखिरकार जिसको मैंने ग्रहण किया है, सुनता हूं कि देवघर में है, ठाकुर हैं, थोड़ा सा उनको चल करके देखूं। गया अकेले में, गया कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह से मैं पूछते पूछते वहां पहुंचा देवघर। नवंबर या दिसंबर का महीना था, मुझको अच्छी तरह याद है, अक्टूबर में मेरी दीक्षा हुई थी। और जब मैं वहां पहुंचा तो जानते हैं मुझको बहुत अफसोस हुआ। उस दिन जिस दिन मैं पहुंचा था पहली बार जीवन में देवघर, कारण कि किसी की बात को मैं नहीं समझता था। सब लोग बंगला बोलते थे और मैं ठहरा हिंदी भाषा भाषी, बोलता था कुछ, कोई जवाब देता था कुछ, समझ में ही मेरे नहीं आता था। उन लोग को तो समझ में आता था हिंदी, लेकिन शायद मेरे ही समझ में नहीं आता था। शाम के समय, सुबह के समय, भोर में मैं पहुंचा था, ठाकुर जी जहां पर भोग बनता है, देखा कि हमारे दीक्षादाता वहां पर कुछ दे रहे हैं। अरे हमने बोला कि दादा आप भी आए हैं? कहे हाँ। मैं गया, रात भर रुका, बड़ी मुश्किल से मैं रुक पाया, दूसरे दिन मैं चल दिया। लेकिन
आप लोग को मैं विश्वास नहीं दिला पाऊंगा। वो जो विग्रह के सामने मैं 1 मिनट ठाकुर जी के प्रणामी किया था, उस दिन मुझको लगा था वह पुतला नहीं जो ठाकुर जी का विग्रह बैठा है, मुझको लगा कि स्वयं ठाकुर जी का एक फोटो आता है जो गुड़गुड़ा पीते हुए, मुझको लगा कि वह जो उसका मैंने दीक्षा लिया वह स्वयं वहां पर बैठे हुए हैं उसी रूप में। और इसके बाद मैं दूसरे दिन फिर चल दिया, फिर आना जाना ये सिलसिला मेला होता रहा। और शुरू से ही मैं सत्यानुसरण को पढ़ता रहा, सत्यानुसरण से पढ़ता रहा, और मेरे मन में इच्छा हुई कि अगर काम ही करना है जीवन में, रोटी दाल सब लोग खाते हैं, क्यों न हम प्रभु का काम करें। और इस मन को जीवन में ठान करके मैं देवघर गया था। वहां पर मेरी भेंट हुई थी, धीरे धीरे परिचय हो गया था, महेंद्र दा हैं, प्रदीप दा हैं, फिर हमारे प्रदीप दा के माध्यम से कि आप आज जिनके माध्यम से मैं सत्संग में बैठा हूँ, हमारे कीर्तिदा, उनसे परिचय हुआ। धीरे धीरे मैं ठाकुर जी से इतना क्लोज होने लगा कि बिना लगता था कि उनके बिना जीवन सब कुछ अधूरा है। इसके बाद ठाकुर जी को मैंने कहा कि अगर सही ढंग से पकड़ना है राम को, कृष्ण को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अभी सब लोग ठाकुर जी को नहीं जानते हैं, लेकिन राम और कृष्ण, ठाकुर जो सत्यानुसरण है उसमें एक है कि जब से हम ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना करने लगे, तभी से हमारे देश की अवनति हुई। इसका मैं मतलब मैं नहीं समझ पाता था कि ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद क्या होता है। जब मैं दादा लोगों के संपर्क में आया तब मुझको मालूम था। आज हम लोग क्या करते हैं, अगर सही ढंग से राम को समझना है, कृष्ण को समझना है, तो ठाकुर जी को ग्रहण करना ही पड़ेगा। क्योंकि रामायण आज क्या है, घर घर पढ़ा जा रहा है, शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है, नया घर बन रहा है, अखंड रामायण का पाठ पढ़ा जा रहा है, लेकिन राम के चरित्र को हम जीवन में नहीं उतारते हैं, राम के चलन को हम जीवन में नहीं उतारते। हरि कीर्तन हर घर घर हो रहा है, लेकिन कृष्ण के चलन को हम अपने जीवन में नहीं उतारते। इसलिए ठाकुर जी ने एक वाणी दिया था कि चलन विहीन चरण की पूजा बंध्या पूजा जा। अगर राम को समझना है, चरण पूजा हमको करना होगा, चरण पूजा नहीं करना होगा। अगर राम को समझना है तो ठाकुर को पकड़ना होगा, कृष्ण को सही ढंग से समझना है तो ठाकुर को पकड़ना होगा। हम लोग एक प्रसंग में सुनते हैं कि अहिल्या क्या थी, पत्थर की हो गई थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई स्त्री पत्थर की हो सकती है? नहीं। जब इसको ठाकुर जी से पूछा गया तो जानते हैं ठाकुर जी ने क्या बोला था कि अगर किसी पत्नी के जीवन से पति ही उसको छोड़कर चला जाए, उसकी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएं, तो वह स्त्री क्या होती है, पाषाण की हो जाती है। जब उनके पति ने अहिल्या को त्याग कर दिया तो अहिल्या क्या हो गई, पाषाण की तरह हो गई। लेकिन उस समय के पुरुषोत्तम श्रीराम जब उनके जीवन में आए तो फिर से उनके जीवन में खुशहाली आ गई। हमको समझना होगा। हम लोग अभी रामायण देखे हैं, रामायण में क्या दिखाता है कि भगवान राम ने मां सीता को गर्भस्थ अवस्था में वन को छोड़ दिया। राम को अगर रामायण को समझना है, रामचंद्र जी के बारे में जानना है, तो ठाकुर को ग्रहण करना ही होगा। क्योंकि ठाकुर जी से जब पूछा गया था, ठाकुर जी जानते हैं क्या बोले थे, ठाकुर जी बोले थे जब सीता लंका से आई थी
कुछ दिन बाद जब वो गर्भस्थ अवस्था में हुई तो जो भी लोग आते थे उनके पास क्या पूछते थे, रावण कैसा था, कुंभकर्ण कैसा था, मेघनाथ कैसा था। तो एक दिन माँ सीता ने प्रभु से बोला कि प्रभु मुझको लगता है कि मेरी आने वाली संतान की छाया कहीं रावण मेघनाथ कुंभकर्ण जैसी ना हो जाए, इसलिए मैं फिर से प्रकृति की गोद में जाना चाहती हूं। तो राम ने माँ सरस्वती की आराधना की, सरस्वती जी उस धोबी की जबान पर बैठ करके ऐसी बात कही कि राम को माँ सीता को वनगमन के लिए छोड़ना पड़ा। ये कौन बता सकता है, रामायण में क्या लिखा है, नहीं लिखा है। अगर इसको पकड़ना है, राम को सही ढंग से जानना है, कृष्ण को सही ढंग से जानना है, तो हमको श्री श्री ठाकुर जी को पकड़ना ही पड़ेगा, ग्रहण करना ही पड़ेगा। उनकी जो पांच नीति है, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तैनी सदाचार, इसको पूर्ण रूप से जकड़ करके चलना होगा। तब हम राम को अच्छी तरह से जान सकते हैं, कृष्ण को अच्छी तरह से जान सकते हैं, जितने भी हमारे अवतार हुए हैं बुद्ध को जान सकते हैं, जेसस को जान सकते हैं, मोहम्मद को जान सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी को ग्रहण करना है। इसीलिए उनका नाम क्या हुआ, अभी हमारे दादा बोल रहे थे, राम आए धनुष बाण लेकर के, कृष्ण आए चक्र लेकर के, लेकिन ठाकुर जी क्या लेकर के आए, नाम लेकर के आए। उस नाम से ठाकुर जी क्या बोले, ए नर हत्याकारी, ब्रह्म हत्याकारी, भ्रूण हत्याकारी, गौ हत्याकारी, परिस्त्री गामनी, तुम जगन्नाथ से जगन्नाथ अपराध किए हो, मेरे पास नाचते हुए आओ, संकीर्तन करते हुए आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को अपने हाथों से धो लूंगा। ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि नाम कर, नाम कर, नाम कर, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा। इतना विश्वास के साथ फुलफिल गारंटी देने वाला कोई है, जरूरत क्या है हम लोगों को विश्वास की। एक की चाह करते समय 10 की चाह मत कर बैठो, सत्यानुष्ठान में ठाकुर जी ने लिखा है कि एक की चाह करते हुए 10 की चाह मत कर बैठो। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग का ये विश्वास स्थिर नहीं रहता है, डगमगा जाता है। विश्वास के लिए क्या चाहिए, हनुमान जैसी भक्ति। जब हनुमान जी भगवान राम के जीवन में आए थे, क्या कब आए थे, यंग एज में नहीं आए थे, ओल्ड एज में आए थे, लेकिन जब उन्होंने भक्ति शुरू की, आज क्या है, शायद मेरे ख्याल से जितना हनुमान जी का मंदिर होगा उतना राम का नहीं होगा। वहीं पर उल्टा कृष्ण अर्जुन को देखिए, सब कुछ थे, कृष्ण को बंधु कहते थे, सखा कहते थे, सब कुछ कहते थे, लेकिन अर्जुन का एक मंदिर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका विश्वास स्थिर नहीं था। हमको ठाकुर जी को समझना होगा। मैं विश्वास पर, भक्ति पर एक कहानी मैं बताऊंगा आपको, सच्ची घटना है। ठाकुर जी का जहां विग्रह है पार्लर, वहां पर बैठे हैं, एक माँ दूर से ठाकुर जी को देख रही, और माँ जो साड़ी पहनी थी, कई जगह से सिली हुई साड़ी थी, फटी थी, उसको सिल करके वो माँ पहनी थी, और ठाकुर जी को एक तक देख रही है। एक दादा बैठे थे, ठाकुर जी बोले, दादा एक साड़ी क्या आप मुझे ला करके देंगे नया। वो बोले हाँ दादा, हाँ ठाकुर जी। वो गए तुरंत एक साड़ी लाए और ठाकुर जी को दे दी। एक माँ थी वहां पर, शायद मेरे ख्याल से ठाकुर जी की सेविका थी, नाम मुझको नहीं याद आ रहा है, बोले कि माँ को दे दीजिए। और जो सेविका थी ठाकुर जी की, खूब सुंदर साड़ी, जेवर सब कुछ पहनी हुई है। दादा का मन खिन्न हो गया, बोले जैसे इतनी सुंदर साड़ी, जेवर सब कुछ पहनी है, और ठाकुर जी इनको दे दिए, और वो माँ बेचारी इतनी गरीब दुखिया खड़ी है, उसको नहीं देने को बोल, ये सोच ही रहे हैं। तब तक ठाकुर जी उन्हीं से बोलते हैं, दादा क्या एक साड़ी तुम मुझे ला करके और दोगे। बोले हाँ ठाकुर। तुरंत लाए, दिए, कहे वो जो माँ खड़ी हैं उनको ले जाकर के दे दीजिए। जब ले जाकर के दिए, बोले कि ठाकुर आपको दिए हैं, वो ऐसे लगी उनकी आंख से आंसू गिरने, बोली कि नहीं मैं यहां पे साड़ी लेने के लिए नहीं आई हूं, हाँ
मैं अपने गुरु का, मैं अपने प्रभु का दर्शन के लिए आई हूं, ना कि मैं साड़ी लेने के लिए आई हूं, मुझको नहीं चाहिए साड़ी। इसके बाद उस साड़ी लेकर के वापस चले आए ठाकुर जी के पास। बोले कि ठाकुर वो तो माल ली नहीं। ठाकुर जी बोले, जाके उनसे बोलो कि एक पिता ने अपनी बेटी को दिया है। फिर दादा लेकर के साड़ी आते हैं। बोले माँ, ठाकुर जी ने बोला है कि एक पिता ने अपनी बेटी को दिया है। उस माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले कि इतनी भीड़ में ठाकुर जी ने मुझको बेटी कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इसीलिए उनका नाम परम प्रेम में पड़ा। जीव जंतु जो भी हो, यहां तक कि पेड़ पालो जो भी हैं, हर वस्तु से ठाकुर जी ने प्रेम किया। हम लोग क्या है जीवन में, सब कुछ पाना चाहते हैं लेकिन विधि को नहीं अपनाना चाहते। लेकिन मैं कहता हूं, विधि को तोड़कर जीवन में कोई भी विधाता को नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। अगर हमको विधाता को पाना है तो जीवन में विधि को अपनाना ही होगा। सब लोग जानते हैं, आजकल की अवतार की बात हो रही है, कल की अवतार की बात हो रही है, हेलो जी, सुनाई दे रहे हैं, टाइम बहुत हो रहा है, सुनाई दे रहे हैं। हाँ सुनाई दे रहे हैं। वो संभलपुर है कहाँ? आज हम लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी का जो जन्म हुआ है हिमायतपुर में हुआ है। जब मुगल काल में बंगाल पर आक्रमण किया गया था तो वहां का हिम्मत सिंह नाम का उनका सेनापति था अकबर का, और उस संभलपुर का कागज में पुराना नाम हिमायतपुर का संभलपुर है, और फिर उसने नाम परिवर्तित करके हिम्मत सिंह से हिमायतपुर कर दिया गया। पुराने में अगर कागज में कोई देखेगा तो उसका नाम संभलपुर है। ठाकुर जी वास्तव में हम लोग को जीवन में दया किए, उनको हम लोगों को सही ढंग से पकड़ कर चलना होगा। आज बबैदा के बात हो रही थी चर्चा पर, एक बाड़ी में है कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रहकर जीवन रहते निरंतर। आज वही ठाकुर जी का प्यार जो मैंने सुना है, देखा नहीं है, उसको मैं पूजनीय गवाईदा के अंदर पाता हूं। मैं ठाकुर जी का पंजाधारी कर्मी उस समय नहीं था, लेकिन मन में इच्छा थी, चाह कि उनका काम हो, हमारे आजमगढ़ में भी एक मंदिर हो। कुछ नहीं था, पहली बार जब मैं लखनऊ गया था, ये हमारे कीर्ति था, पहला अर्घ 1,000 रुपया दिए थे ठाकुर के काम के लिए। सब लोग जाते हैं कि पूजनीय भाईदा के पास, बोलते हैं कि मैं यह काम करना चाहता हूं, मैं यह कर रहा हूं, लेकिन मुझको तो आज वह मेरे मानस पटल पर है कि मुजफ्फरपुर में बिहार लेवल का उत्सव चल रहा था। हमारी पूजनीय बड़बोधी माँ, पूजनीय बबाईदा आए थे, शाम के समय भजन संध्या के समय भजन चल रहा था। मैं दूर से खड़ा था, अचानक बबाईदा एक दादा को भेजकर हमको बुलवाए। बोले कि दादा, ऐसा है कि आजमगढ़ में खूब उत्सव हो रहा है, मैं चाहता हूं कि वहां पे ठाकुर जी के लिए कुछ जमीन हो जाए। पूजनीय बबाईदा ने अपनी इच्छा व्यक्त किया। अब जब उन्होंने कहा तो मेरे अंदर इतना उत्साह लगता था, 440 वोल्ट नहीं, हजारों वोल्ट एकदम मेरे शरीर के अंदर प्रवाह कर गया हो। मैं आया, हमारे साथ जो दो एक लोग गए थे, सब लोगों ने सुना, और तुरंत मैंने उस जमीन के लिए संचालन कर दिया। अब देखिए दया किसको कहते हैं। तो हम लोग जमीन खोजते थे 2 बीघा 3 बीघा, जो हमारे आजमगढ़ के 2-4-6 सहयोगी गुरु भाई थे, होते थे कि इतना इधर गुरु भाई का मकान, इधर गुरु भाई का मकान, बीच में ठाकुर जी का भव्य मंदिर। सालों बीत गया, कुछ नहीं हुआ।
एक दिन मैं देवघर गया, पूजनी बाबा दा बोले सुनो ज्यादा जमीन उमीन के चक्कर में मत पड़ो, 6-7 पट्टा जहाँ जमीन मिल जाए ले लो। हमने कहा कि ठीक है दादा। और जानते हैं ठीक उन्हीं के कहने के 3 महीने बाद उस जमीन का एग्रीमेंट हुआ, एकोरेट एकदम 7 कट्ठा। ये है उनकी दया। बोला था उन्होंने जिस दिन मुझको सहप्रतृत्व का पंजा मिला था, बोले दूसरे दिन मुझसे कि जीवन में कभी किसी की शिकायत मत करना और दूसरा चीज कभी जीवन में पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़ गए तो फिर पुनः उसी स्थान पर तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि जब तुम ठाकुर के काम के लिए चलोगे तुम्हें कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस पर ध्यान मत देना। जीवन में तुम काम निरंतर करते चलना पड़ते। आज ठाकुर जी की दया से, पूजनी बवाईदा के प्रेम से, उनकी दया से सब कुछ सुंदर हो रहा है। आज ठाकुर जी की दया से जमीन भी हो गया, मंदिर के निर्माण भी हो रहा है। और ठाकुर जी को समझना होगा, तब उनकी जब नीति पर विधि पर हम लोग चलेंगे तब जाकर के हमारे जीवन सुंदर हो सकता है। दादा समय है ना? नहीं अब खत्म हो गया है, समय बहुत हो गया, समय बहुत हो अच्छा, गया। अच्छा तो मैं चार लाइन के भजन के माध्यम से शेष कर रहा हूँ। कहना तो बहुत कुछ था, समय का 60 भी चला है, अब खत्म होने वाला है। मैं 2 लाइन भजन के माध्यम से सही कर रहा हूँ, शेष कर रहा हूँ। कि ठाकुर शरण नहीं आया जगत में, कि ठाकुर शरण नहीं आया जगत में, अरे लिया जन्म बेकार रे, अरे पाप से मोचन पाना है तो ले लो तुम सतनाम रे, पाप से मोचन पाना है तो ले लो तुम सतनाम रे। कि पुरुषोत्तम है आए जगत में लेकर 5 विधान रे, कि पुरुषोत्तम है आए जगत में लेकर 5 विधान रे, याजन इष्टवृत्ति स्वस्तने सदाचार रे, याजन इष्टवृत्ति स्वस्तने सदाचार रे, और इसका पालन करके मानो, अरे इसका पालन करके मानो, अरे बनता बहुत महान रे, पाप से मोचन पाना है तो ले लो तुम सतनाम रे, पाप से मोचन पाना है तो ले लो तुम सतनाम रे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ और ठाकुर जी के अतुल चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन सुखमय हो, आनंद में हो। इसी के साथ सभी को मेरा जय गुरु।